पटना में अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर बीतने को है और कई जिलों में सुखाड़ की भी स्थिति थी, लेकिन रहमत की बारिश ये कही है कि जो फसलें खासतौर पे जो धान की जो रोपनी हुई थी, खेतों को पानी की तलाश थी, ऐसे में कुदरत ने रहमत की बारिश इस राज्य में की है। पटना में राजधानी का जो मौसम आप देख रहे हैं बिल्कुल सुहाना हो चुका है और जोरों की बारिश हो रही है। हमारे हिंदुस्तान पटना के जो मौसम के रिपोर्टर हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं चंदन द्विवेदी साहब, मैं इनसे बात कर रहा हूं कि ये इस बारिश को आप कैसे देख रहे हैं चंदन जी। देखिए रवि, इस बार मानसून बहुत देर से बिहार में पहुंचा था और उसका असर ये हुआ कि खेती काफ़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन आज की बारिश अगर देखी जाए और अब पिछले हफ्ते जो बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, काफ़ी हद तक डिफिसिट को इसने कम किया है। हालांकि थोड़ी असमय बारिश है, यही हथिया नक्षत्र में बारिश होती तो और खेतों के लिए सोना हो रहा होता। बावजूद इसके जहाँ पर देर से रोपनी हुई है वहाँ के लिए काफ़ी राहत भरी बारिश है, और ये बारिश केवल पटना में ही नहीं हो रही है, यहाँ बारिश पूरे मगध क्षेत्र में अगर कहें और बिहार के बाकी हिस्सों में जी ये बारिश पूरे बिहार में हो रही है। मौसम विभाग को आप रिपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं, मौसम विभाग का क्या अनुमान है? मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पहले ही जारी किया था कि इस हफ्ते मानसून जो है सो प्रभावी रहेगा और साथ ही मानसून के लौटने में भी इस बार देरी होगी, तो संभव है ऐसा रवि कि अक्टूबर के महीने में मतलब दूसरे हफ्ते तक या बारिश प्रभावी रहे, इस तरह से बारिश होती रहे, और वो अच्छा ही रहेगा, वो अच्छा ही रहेगा किसानों के लिए भी, खेतों के लिए भी, गर्मी के लिहाज से भी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बारिश लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगले एक घंटे तक डेढ़ घंटे तक बारिश रुकने का कोई अनुमान नहीं, बारिश रुकने का अनुमान नहीं है। बारिश काफ़ी ज़ोरदार होगी, अक्टूबर के वो पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते तक भी होने की बात हमारे संवाददाता बता रहे हैं। हम एक और चीज़ ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बारिश है ये पूरे बिहार में है, इसका फसलों पर किस तरीके का असर पड़ेगा? देखिए यही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था रवि कि ये बारिश अगर यही 15 दिन पहले हो रही होती तो खेती के लिए ज़्यादा अच्छा था। बावजूद इसके बारिश धान के लिए बारिश बहुत ही बेहतर माना गया है और अगले 10-12 दिन भी बारिश होती है तो धान के लिए शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा, किसानों के चेहरे पर खुशी ही मिलेगी, किसानों के चेहरे पर खुशी ही मिलेगी। पटना समेत पूरे राज्य में बारिश के अनुमान मौसम विभाग ने लगाए हैं जी। सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि लगातार जो गर्मी रह रही थी, अगर आप टेम्परेचर देखेंगे बिहार का औसत तापमान शहरों का, तो लगातार सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर रह रहा था, लेकिन इस बारिश ने सामान्य को फिर से सामान्य पर तापमान को लाया है और गर्मी से काफी राहत मिली है रवि जी। पटना समेत जो सारे जो शहर हैं औसत तापमान से अधिक तापमान रह रहा था, 4-5 डिग्री, हमारे ये मौसम विभाग के संवाददाता साहब बता रहे हैं। ये बारिश ने किसानों के चेहरे पर एक तरीके से खुशहाली लौटाई है। हिंदुस्तान लाइव.com के लिए चंदन द्विवेदी के साथ रविशंकर।